मैम, अगर उस चीज़ को कंपेयर किया जाए पाकिस्तान के साथ, तो हमारे पाकिस्तान में भी अल्हम्दुलिल्लाह टैलेंट बहुत ज़्यादा है। मैम, असल में हमारी जो हुकूमत है उसका कुछ अंदाज़ ऐसा है कि वो कुर्सी के लिए आपस में लड़ने से उनको फुर्सत मिलेगी तो वो पाकिस्तान के बारे में सोचेंगे कि इनका क्या करना है। और इंशाल्लाह पाकिस्तान में आने वाले टाइम में अगर ये चीज़ हो जाती है, एक प्लेटफॉर्म हो या किया जाता है हमारी यंग जनरेशन को, तो हमारी आवाम किसी से कम नहीं है पाकिस्तान में। बहुत बड़ी बात है अगर कश्मीर की लड़की है और उसने बहुत बड़ी अचीवमेंट ये की है कि वो मिस वर्ल्ड बनी है। पाकिस्तान में प्लेटफॉर्म्स बहुत कम मिलते हैं, वो कहते हैं कि टैलेंट को यहाँ पे प्रमोट नहीं किया जाता, लेकिन हमारे पास कोई ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जो टैलेंट को प्रमोट करे। पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा ड्रामा क्लब होना चाहिए जो छोटे स्टूडेंट्स हैं यूनिवर्सिटी के, कॉलेजेस के, जिनके अंदर कोई ऐसा टैलेंट है, वो वहाँ पे आके अपना टैलेंट जो है शो करवाएं और निखरें। बात ऐसे है जी, अल्लाह पाक ने जिसे इज्जत देनी है वो तो मिलनी मिलनी है, लेकिन इंडिया के अंदर ये है कि वो अपना टैलेंट को प्रमोट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते। अब हम आवाज़ के साथ, मैं हूँ आपकी मेज़बान हानिया तनवीर। आज का हमारा जो टॉपिक है आपको बताते चलें, इंडिया की अगर हम बात करें, जैसे आपको पता है इंडिया न्यू अचीवमेंट्स करता जा रहा है। इंडिया की एक लड़की है कश्मीर की है जो मिस वर्ल्ड बनी है, कितनी बड़ी अचीवमेंट इंडिया के लिए कि इंडिया में से इतने अच्छे जो लोग हैं उभर के बाहर आ रहे हैं, इतनी खूबसूरती भी बाहर आ रही है, मिस वर्ल्ड बनी है वो। आइए नाज़रीन पाकिस्तानी पब्लिक से जानते हैं। उससे पहले आप लोगों से एक दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा, और जो हमारी वीडियो होगी लास्ट में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। आसान वालेकुम सलाम, क्या नाम है? मोहम्मद शहरयार। सर, मेरा आज का क्वेश्चन आपसे ये है कि इंडिया की बात करें तो आपको पता है रोज़ाना न्यू अचीवमेंट्स हो रही होती हैं। इंडिया ने अब कल ही हाल ही में उनकी कश्मीर की एक लड़की हैं वो मिस वर्ल्ड बनी है, क्या कहना चाहेंगे इंडिया की इस अचीवमेंट के बारे में? मैम, अगर उस चीज़ को कंपेयर किया जाए पाकिस्तान के साथ, तो हमारे पाकिस्तान में भी अल्हम्दुलिल्लाह टैलेंट बहुत ज़्यादा है, बट उस कोई ऐसा प्लेटफॉर्म उनको नहीं दिया जा रहा है कि जिस पर वो आके वर्क करें, या उनको ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जाए जिससे वो आगे जाएँ। हमारे पाकिस्तान में आप देख रहे हैं कि काफ़ी ऐसा टैलेंट है जो सड़कों पे आपको चलता फिरता नज़र आएगा। क्या कहना चाहेंगे हमारे पाकिस्तानी गवर्नमेंट के लिए, जिस तरह से इंडिया गवर्नमेंट जो है वो अपनी पब्लिक को सपोर्ट करती है, उन्होंने प्लेटफॉर्म निकाले होते हैं, जिस तरह से मिस वर्ल्ड हो गया, मिस इंडिया हो गया, उसके अलावा हमारे मुल्क में स्पोर्ट्स को भी इतना आगे नहीं रखा जाता जितना इंडिया वगैरह इंडिया वाले आगे रखते हैं, क्या कहेंगे हमारी हुकूमत? मैम, असल में हमारी जो हुकूमत है उसका कुछ अंदाज़ ऐसा है कि वो कुर्सी के लिए आपस में लड़ने से उनको फुर्सत मिलेगी तो वो पाकिस्तान के बारे में सोचेंगे कि इनका क्या करना है। इनको बिल्कुल करना चाहिए मुतहदा हो कि इस चीज़ में प्लेटफॉर्म देना चाहिए। मैम, देखेंगे टैलेंट है पाकिस्तान में, बहुत है, थोड़ा नहीं है, बहुत ज़्यादा टैलेंट है, वो प्रमोट करने के लिए उसको एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म हो, ताकि पता हो कि ये प्लेटफॉर्म है, इससे पे आके हमें आगे की तरफ जाना है, तो दैट्स अ गुड आइडिया। क्या कहेंगे हमारे लिए, हमारी हुकूमत के लिए, और जो मिस इंडिया बनी है उनके लिए, मिस वर्ल्ड बनी है? मिस वर्ल्ड जो बनी है उनको कॉन्ग्रेट्स कर सकते हैं, और इंशाल्लाह पाकिस्तान में आने वाले टाइम में अगर ये चीज़ हो जाती है, एक प्लेटफॉर्म हो या किया जाता है हमारी यंग जनरेशन को, तो हमारी आवाम किसी से कम नहीं है पाकिस्तान में। बहुत अच्छी बात है, मिस वर्ल्ड बनी है। मेरा ख्याल है कि हर किसी को ये हल्का बात नहीं नवाजे जाते, जो इस तरह के काम करता है, जो बड़ी अचीवमेंट्स करता है, उसे इस तरह के अलकाबात मिलते हैं। हमें आपको पता है जो मिस वर्ल्ड बनती हैं उनका काफ़ी माइंड भी चेक किया जाता है कि किस तरह का है सब कुछ, उनका बॉडी लैंग्वेज, उसका हर चीज़ उसकी चेक की जाती है, उसका माइंड चेक किया जाता है, उसकी बॉडी लैंग्वेज चेक की जाती है, उसके बात करने का अंदाज़, उसके रहन सहन, उसका उसके माइंड में क्या चल रहा है, वो सारी चीज़ें देख के फिर अंदाज़ा लगाया जाता है कि यार ये इस काबिल है कि इसे ये जो अलकाबात हम देने जा रहे हैं, जो ये लकब देने जा रहे हैं, वो इस काबिल है या नहीं है। तो बहुत बड़ी बात है अगर कश्मीर की लड़की है और उसने बहुत बड़ी अचीवमेंट ये की है कि वो मिस वर्ल्ड बनी है। मे भी मेरा ख्याल है कि आज तक ऐसा कोई नहीं आया जिसे ये लकब दिया गया हो, लेकिन उसे दिया गया। पाकिस्तान की अगर हम बात करें कि पाकिस्तान में आपको लगता नहीं है इस तरह के प्लेटफॉर्म्स भी देने चाहिए? पाकिस्तान में प्लेटफॉर्म्स बहुत कम मिलते हैं, वो कहते हैं कि टैलेंट को यहाँ पे प्रमोट नहीं किया जाता, लेकिन हमारे पास कोई ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जो टैलेंट को प्रमोट करे। ताकि हमने यहाँ पे सुना है कि मिस लाहौर बन गई, मिस पिशावर बन गई, मिस पंजाब बन गई, या मिस पाकिस्तान बन गई, लेकिन ये नहीं सोचा कि मिस वर्ल्ड कोई बनी है। लेकिन मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स ये काफ़ी ज़्यादा चल रही है पाकिस्तान में, ऐसा कुछ नहीं? बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन नहीं होना चाहिए, है नहीं है ये अलग मैटर है, होना चाहिए। हमारे पास ऐसे प्लेटफॉर्म्स मिल जाते हैं देखने से, आपका प्लेटफॉर्म अच्छा है, आपका प्लेटफॉर्म लोगों का टैलेंट जो प्रमोट करे,
तो मेरा ख्याल है कि लोग अपना टैलेंट दिखाएंगे आपके प्लेटफॉर्म से आगे दिखा सकते हैं, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स हैं, आगे अपना टैलेंट दिखाएं। हम तो चाहते हैं कि हमारे पास कोई लड़का आए या लड़की आए वो अपना टैलेंट दिखाए और आगे आए। क्या कहना चाहेंगे पाकिस्तान की गवर्नमेंट के लिए? आजकल हम अपनी पॉलिटिक्स पे अगर बात करें तो पॉलिटिक्स का काफ़ी बुरा हाल चल रहा है, आपको पता है इंस्टेबिलिटी काफ़ी फैली हुई है हमारे मुल्क में। क्या कहेंगे हमारे गवर्नमेंट के लिए कि उन्हें इस तरह के प्लेटफॉर्म नहीं मुहैया करने चाहिए? हमारी गवर्नमेंट जब तक पॉलिटिक्स से बाहर नहीं निकलेगी, जब तक वो अपनी सीट नहीं छोड़ेगी और सीट से बाहर नहीं आएंगे, तब तक मेरा ख्याल है कि जो गरीब आवाम है ना वो इस तरह पिसती रहेगी। उनके अंदर बहुत सारे ऐसे टैलेंट्स हैं जो वो मेरा ख्याल है कि अचीव कर सकते हैं और बहुत बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं, लेकिन उन्हें प्लेटफॉर्म नहीं दिया जाता। हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना दें जिस तरह इंडियन आइडियल होता है इंडिया के अंदर, उस तरह इंडियन पाकिस्तानी आइडियल होना चाहिए, ताकि जो पाकिस्तानी सिंगर्स हैं उन्हें प्रमोट करें। पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा ड्रामा क्लब होना चाहिए जो छोटे स्टूडेंट्स हैं यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस के, जिनके अंदर कोई ऐसा टैलेंट है वो वहाँ पे आके अपना टैलेंट जो है शो करवाएं और निखरें। मेरा ख्याल है कि हमारे जो पॉलिटिकल वर्कर्स हैं और जो हमारे लीडर्स हैं जो पॉलिटिशियंस हैं उन्हें सोचना चाहिए और उन्हें इस तरह का कोई प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए। पाकिस्तान के लिए और इंडिया के लिए क्या पैगाम देंगे? हमारी गवर्नमेंट जो हैं वो तो काफ़ी क्लैशेस में चलती रहती हैं, उनके क्लैश कोई ख़त्म हो उसके लिए क्या पैगाम देना? इंडियंस हमारे भाई हैं, हमारी बहनें हैं, और जिस तरह पाकिस्तान के अंदर रहने वाले हमारे बहन भाई हैं, एक मज़हब एक अपनी जगह है लेकिन इंसानियत एक अपनी जगह है। हमें चाहिए कि हम इंसानियत का सोचें। मज़हब को तो हम प्रेफर कर ही रहे हैं, प्रमोट कर ही रहे हैं, क्योंकि हम मुसलमान हैं, हमारा मज़हब इस्लाम है, हम इस्लाम को तो प्रमोट कर रहे हैं लेकिन हम इंसानियत को नहीं देखते। बात ऐसे है जी, अल्लाह पाक ने जिसे इज़्ज़त देनी है वो तो मिलनी है, लेकिन इंडिया के अंदर ये है कि वो अपना टैलेंट को प्रमोट करते हैं, उनका एक सिस्टम है कि टैलेंट प्रमोशन का, जिसमें उनकी गाड़ियाँ भी इंडिया से आ रही हैं और बाकी इंडस्ट्री भी है। वो अब एक इकदाम है, उनका एक सिस्टम है, वो पहले से कर रहे हैं, उनका प्रमोट होगी। वो अपनी गरीब आवाम को भी काफ़ी ज़्यादा प्रमोट करते हैं, उनके लिए प्लेटफॉर्म निकालते हैं। पाकिस्तान में इस तरह से निकाले जाते हैं? नहीं, पाकिस्तान में तो मैंने आज तक कभी सुना नहीं है ऐसा कोई मामला हो, क्योंकि यहाँ पे वो ज़्यादातर लोग या तो मुल्क से बाहर चले जाते हैं, वो इतना कोई मामला है नहीं, मैंने तो नहीं सुना आज तक भी पाकिस्तान में ऐसा होता हो। जी नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी। लोगों ने जो कमेंट्स दिए कि इंडिया की अगर हम बात करें, इंडिया की जो कश्मीर की जो लड़कियाँ हैं जो मिस वर्ल्ड बनी है, ये उनके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। पाकिस्तान में भी इस तरह के जो है प्लेटफॉर्म्स होने चाहिए कि पाकिस्तानी जो है वो भी इस तरह से लेकर चल सकें, जिस तरह से हमारे मुल्क में मिस पेशावर हो गया, मिस पंजाब, इसी तरह से हमारे मुल्क में भी ये प्लेटफॉर्म आना चाहिए कि पाकिस्तानी भी कोई हो जो मिस पाकिस्तान बने। हमारे पाकिस्तान में भी ऐसे प्लेटफॉर्म होने चाहिए। ये हमारी आज की वीडियो थी। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी। जो लोगों ने कमेंट्स दिए वो आपको अच्छे लगे, अच्छे लगे तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय से ज़रूर कीजिएगा। अपनी मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।